हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत से कपल्स आईपिल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल और अनवांटेड 72 टैबलेट को यूज़ करते हैं, और बहुत से लोगों का डाउट होता है कि ये टैबलेट कब लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, और एक टैबलेट लेने के बाद दूसरी टैबलेट के बीच में कितना गैप होना चाहिए। तो गाइज़, इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। गाइज़, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो गाइज़, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही ब्रांड जो हैं बिल्कुल एक समान ही हैं। जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे, इसके अंदर लीवोनोर गैस्ट्रोल 1.5 mg होता है, और मैं आपको इसके अंदर भी दिखा देता हूँ, इसमें भी लीवोनोर गैस्ट्रोल 1.5 mg होता है। बस फर्क कहाँ पर आता है गाइस, ये मैनकाइंड का बनाया हुआ ब्रांड है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और ये जो है पीरामल का बनाया हुआ ब्रांड है। तो सबसे ज़्यादा तो गाइस आईपील और अनवांटेड 72 का ही मार्केट में ये डिमांड ज़्यादा रहती है। और रही बात तो इसके प्राइस के बारे में भी बात कर लेते हैं साथ साथ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे गाइस, ये 110 रुपये की एक टैबलेट पड़ती है, और मैं इसकी बात करूँ तो ये आपको 99 रुपीज़ की पड़ती है एक टैबलेट। ये थोड़ी बहुत सस्ती पड़ती है, और गाइस ये पीरामल का थोड़ा अच्छा खासा ब्रांड है, ये इसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, तो इस वजह से इसका मतलब एक 10 रुपये महंगी पड़ती है, और कुछ भी नहीं गाइस, काम तो दोनों का सेम ही होता है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके मेन पर्पज़ के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले हम इसको ओपन करके देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें हमें मैंने निकाल ली है, ये अनवांटेड 72 है जो मेरे राइट हैंड साइड में है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये आईपिल है। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये पिंक कलर में हमें इसकी टैबलेट मिलती है, ट्रांसपेरेंट के साथ होती है ये, और बाकी ये जो है थोड़ी वाइट कलर में दिखने को लग रही है, बट ये वाइट है नहीं गाइस, इतना कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इसकी पैकिंग ही कुछ अलग तरीके से की गई है, सिल्वर फिनिश के साथ की गई है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के बारे में। पिल और एक अनवांटेड 72 इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल है ये दोनों की दोनों। इस टैबलेट में आप अनचाही प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकते हैं। आई पिल और अन 72 को कभी भी रेगुलर यूज़ नहीं करना चाहिए, इसे ओनली इमरजेंसी केसेस में यूज़ करना चाहिए। इस टैबलेट के रेगुलर यूज़ से बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इस टैबलेट को 25 से 45 साल की वुमेंस ना लें तो अच्छा होगा। और ये टैबलेट 100% इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं गाइस, ये टैबलेट 100 में से एक वुमेन पे असर नहीं करती है। ये टैबलेट एक्को स्पर्म से मिलने से रोक देती है, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर ये टैबलेट आप लेते हैं तो आप ये टैबलेट 72 घंटों के अंदर ही लें, और सबसे अच्छा टाइम ये है कि आप इसे 24 घंटे में लेते हैं तो इसका इफ़ेक्ट आपको 95% मिलता है, और 25 से 48 आवर्स के अंदर अगर आप इसको लेते हैं तो इसका इफ़ेक्ट आपको 85% मिलता है, और 49 से 72 आवर्स के अंदर अगर आप इसको लेते हैं तो इसका इफ़ेक्ट आपको 58% देखने को मिलता है, और विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर आप इसको ले लेते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है इस टैबलेट का। बात कर लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। टैबलेट को यूज़ करने से आपकी बॉडी पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आपके स्टमक में पेन हो सकता है, आपको बेचैनी जैसा महसूस हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, आपको पीरियड्स प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब पीरियड्स आपके टाइम पे नहीं आएंगे। इस टैबलेट को ज़्यादा यूज़ करने से आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, और हेडेक भी हो सकता है, आपके स्तनों में दर्द हो सकता है, आपके स्तनों में थोड़े दिनों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कोमलता आ सकती है। पिल और अनवांटेड 72 को कुछ खाने के बाद पानी के साथ खाना चाहिए, इसे खाली पेट नहीं लेना चाहिए। तो गाइस, बस ये था इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में, आई होप यू अंडरस्टैंड। बात कर लेते हैं इस टैबलेट के प्रिकॉशंस के बारे में। तो गाइस, इस टैबलेट को कब यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा कमजोर हो, अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर हो, और अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी हो, या फिर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ इन टैबलेट का यूज़ ना करें। पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर इस टैबलेट को यूज़ करें। अगर आप इस टैबलेट को यूज़ करते हैं तो 6 महीने में एक बार ही यूज़ करें। ऐसा करने से इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होंगे। तो गाइज, मैं तो आपको यही कहूँगा, बेटर है प्लीज़ सेफ्टी का यूज़ करें, और ये टैबलेट आपके लिए सेफ नहीं है। फ्रेंड्स, ये ओनली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल है, ना कि अबोशन पिल्स। ये टैबलेट ओनली प्रेगनेंसी होने से रोकती है।
तो गाइज़ आई होप यू अंडरस्टैंड, मैंने आपको सारी चीज़ें इसके बारे में बता ही दी है, अनवांटेड 72 और आईपील के बारे में। तो गाइज़ अगर आपको इस टैबलेट, इन दोनों टैबलेट से रिलेटेड अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। ये दोनों ही टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। और गाइज़ मेरे को एक चीज़ और शेयर करनी थी, कार से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर मॉडिफिकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज जाके एक बार विजिट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको किसी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो या फिर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।